नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी जो एक बहुत ही स्पेशल सीरीज चल रही है रेलवे 2020 में जो एग्जाम्स होने वाली है एनटीपीसी एन ग्रुप डी, उसके लिए जो हम आपके लिए एक फाइनल पेपर की सीरीज चला रहे हैं, मतलब फाइनल क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए छठे नंबर का फाइनल पेपर लेके आया। उसके पहले मैं 5 फाइनल पेपर कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे तो मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक मैंने आई के बटन पे जोड़ दिया है। आप यहाँ से हमारे सारे फाइनल पेपर देख सकते हैं। दोस्तों, टॉप 4000 क्वेश्चन कवर किए हैं। इन 4000 क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन जो 2020 में एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम होने वाला है उससे बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको टोटल 100 वीडियो प्रोवाइड करूंगा। हर वीडियो के अंतर्गत 40 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार 4000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। इन 4000 क्वेश्चन में आपको मैं 1600 क्वेश्चन दूंगा साइंस के दूंगा, 1200 क्वेश्चन दूंगा आपको करंट अफेयर्स के दूंगा, और 1200 क्वेश्चन दूंगा जीके के दूंगा। देखिए, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होंगे जो कि आपके लिए गए हैं, एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ल्यूसेंट और स्पीडी से लिए गए हैं। करंट अफेयर्स 1 ईयर का कंप्लीट कराएंगे हम आपको। मैं आपको बता दूं लास्ट 1 ईयर में जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है उनसे संबंधित होगा। और जीके के अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन होंगे जो कि ल्यूसेंट एंड स्पीडी से कवर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो 5 वर्षों में जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी इसमें कवर किए गए हैं। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को, एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जिस भी बच्चे ने 4000 क्वेश्चन अच्छे से देख लिए, समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में अगर एनटीपीसी ग्रुप डी कोई सा भी एग्जाम है तो 40 में से 35+ मार्क्स आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए। मैं आपको 1 महीने के अंतर्गत पूरे 100 वीडियो कंप्लीट करा दूंगा और 4000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आपको किसी भी चैनल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, आज का हमारा जो छठे नंबर का है हमारा आज का, छठे नंबर का जो हमारा फाइनल पेपर है वो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ, डेली की तरफ फटाफट सभी स्टूडेंट्स एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो खत्म होने पर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितने ज़्यादा शेयर करेंगे आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर, उतने ही जल्दी हम आपके लिए इस सीरीज के वीडियो लाते रहेंगे। और आपको एक और चीज़ बता दूँ कि कमेंट बॉक्स में आंसर सभी क्वेश्चन के दीजिएगा, आपको पता होने पर, क्योंकि आप उससे कमेंट देंगे तो आपका क्वेश्चन कंटेस्ट हो जाएगा, आपको याद होता चलेगा। तो चलिए, आज का हमारा छठे नंबर का फाइनल पेपर शुरू करते हैं। पीडीएफ के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि पीडीएफ आपको कब मिलेगा, और आखिरी में और बता दूंगा कि कैसे मिलेगा। हम आपको इकट्ठी पीडीएफ देंगे 4000 क्वेश्चन की रिवीजन के लिए, क्योंकि पीडीएफ सभी स्टूडेंट्स मांगते हैं। तो चलिए, आज का हमारा छठे नंबर का फाइनल पेपर शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न देखिए, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? आपको बताना है इनमें से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रोमर ने ज्ञात किया था। किसने ज्ञात किया था सर्वप्रथम प्रकाश का वेग? रोमर ने ज्ञात किया था। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश का वेग, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अलग क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कितना होता है, तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश का वेग होता है। और सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, कौन से वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था? तो रोमर ने ज्ञात किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है वाला। डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता इनमें से क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, निम्न दाब तथा शांत पवन। देखिए, डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? निम्न दाब तथा एवं शांत पवन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? विश्व में कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार इनमें से किस देश में है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका। कहां पर है विश्व में कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित होता है? आपको बताना कि जो भारत की कुल सिंचित भूमि है उसका कितने परसेंट हिस्सा नहरों के द्वारा सिंचित होता है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 36%। जो 36% है वह भारत में जितनी भी सिंचित भूमि है उसका 36% हिस्सा किससे संचित होता है? नहरों के द्वारा सिंचित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस कारण के आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? आपको बताना, निम्न में से किस किरण, सॉरी किरण है यहाँ पर, निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, अल्फा किरण है। कौन सी किरणों की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा, अल्फा किरणें जो होती है उनकी आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, रॉकेट में से किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त होता है? आपको बताना है कि रॉकेट में इनमें से किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त होता है? तो किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा, प्रणोदक। रॉकेट में जो ईंधन प्रयुक्त होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रणोदक कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस केमिस्ट्री का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूरी परत का नाम क्या है? आपको बताना कि पृथ्वी की जो 3 संकेंद्री परतों में से ऊपर से दूसरी, सॉरी यहां पर लिखा हुआ है दूसरी, ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसे दूसरी पढ़िएगा। जो 3 संकेंद्रीय परत है
उनमें से ऊपर से दूसरे नंबर की परत का नाम क्या है? तो क्या नाम है उसका? इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सीमा। क्या नाम है उसका? सीमा परत बोलते हैं उसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई ने केंद्र सरकार को कितने हजार करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार को कितने हजार करोड़ का अंतरिम लाभांश देने की हाल ही में घोषणा की है? तो ये उन्होंने की है 28,000 करोड़ रुपए का। देखिए 28,000 करोड़ रुपए का उन्होंने केंद्र को अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है। ये 2019 का करंट अफेयर्स है, फरवरी 2019 में उन्होंने घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। तो किसने स्थापित किया था याद रखिएगा, स्वीडन का सेंट्रल बैंक। किसने स्थापित किया था? स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार पेड़ों के नाम दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो ये होती है यूकेलिप्टस। जो यूकेलिप्टस होता है उस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? आपको बताना है कि कितनी थी, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें बिहार की अनुमानित आबादी कितनी थी? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 10 करोड़ थी। कितनी थी? 10 करोड़ थी। अब वैसे अब 2021 में फिर से होने वाली है जनगणना, तो अब नए आंकड़े आ जाएंगे, लेकिन अभी 2011 के हिसाब से आंकड़ों के अनुसार उस समय बिहार की जनगणना कितनी थी, जनगणना के अनुसार आबादी कितनी थी? 10 करोड़ थी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, फेराडे का नियम संबंधित, आपको बताना है कि फेराडे का नियम इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विद्युत अपघटन से। जो फेराडे का नियम होता है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा विद्युत अपघटन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, H2SO4 का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता? आपको बताना है कि H2SO का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रोगाणुनाशी के रूप में। देखिए शुष्कन कारक, निर्जलीकरण और खाद्य परीक्षण तीनों में H2SO4 का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि रोगाणुनाशी में नहीं किया जा सकता, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, याद रखिएगा कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनराम किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? आपको बता रहे कि मासिनराम किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा का स्थान है मासिनराम, वह किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो यह स्थित है मानसूनी प्रदेश में स्थित, याद रखिए किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? मानसूनी प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सोन और नर्मदा निकलती है, आपको बता रहे कि सोन और नर्मदा किन घाटियों से निकलती है? तो याद रखिएगा ये निकलती है अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। समान वर्षा होने वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? जो समान वर्षा होने वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा इनमें से क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आइसोहाइट कहते हैं उसे। क्या कहते हैं याद रखिएगा, फिजिकल ज्योग्राफी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे कहते हैं हम आइसोहाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोहाइट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो याद रखिए मानसरोवर झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। मुलायम कोयले के नाम से कौन जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुलायम कोयले के नाम से इनमें से कौन सा कोयला जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला जो कि मुलायम कोयले के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्षोभ सीमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं हम? क्षोभ सीमा भी कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आपको बता रहा है कि हड़प्पावासी इनमें से किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कपास। जो कपास था वो सबसे ज्यादा उत्पादित करते थे हड़प्पावासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वेलून्स कौन है? आपको बताना है कि वेलून्स कौन है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम की एक फ्रेंच भाषी आबादी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलून्स बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। जो वेलून्स है वो बेल्जियम की एक फ्रेंच भाषी आबादी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा,
पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है, आपको बताना है कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, बीजों से, जो पौधे के जो बीज होते हैं, देखिए कॉफी किससे प्राप्त होती है, तो बीजों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। कौन सी गैस मिलाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीला थोता है, आपको बताना है कि नीला थोता कौन सा है इनमें से, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, कॉपर सल्फेट। देखिए कॉपर सल्फेट को नीला थोता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो अग्निरोधक कपड़े बनाने में, इनमें से किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। जो जो फायरमैन होते हैं वो ये वाले कपड़े पहन के घुसते हैं जहां पर आग लग जाती है, तो वो किससे बना होता है, तो उसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम सल्फेट। किससे बना होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट, मतलब किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़े बनाने में किया जाता है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट यौगिक का प्रयोग अग्निरोधक कपड़े बनाने में किया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है। तो भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है, तो यह ढका है 75%। कितना ढका है, लगभग 75% भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। आपको बताना कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 26 अक्टूबर 1962 को देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी। कब की गई थी, 26 अक्टूबर 1962 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन की ओर चलिए, कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है। आपको बताना है, कौन भारत में शेयर बाजार के कार्यों को नियंत्रित करता है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेबी। जो सेबी होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो भारत में सभी प्रकार के शेयर बाजार संबंधित कार्यों को नियंत्रित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक इनमें से कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक इनमें से कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक इनमें से कौन सा है, तो मीथेन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय, पंचायती राज विषय तो किसमें आता है, इसका सही उत्तर दोस्तों राज्यों की सूची में। पंचायती राज विषय किसका विषय है, तो राज्यों की सूची का विषय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने किसी पुरुष के सिंगल पेरेंट होने की स्थिति में चाइल्ड केयर लीव के लिए मंजूरी दी है। आपको बताना है कि हाल ही में किस मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय है वो, जिसने किसी पुरुष के सिंगल पेरेंट होने की स्थिति में चाइल्ड केयर लीव की मंजूरी दे दी। अगर सिंगल पेरेंट पुरुष है तो उसके उस स्थिति में चाइल्ड केयर लीव की मंजूरी दे दी, तो कौन सा वो मंत्रालय है, तो इस क्वेश्चन का सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्रालय ने। ऐसी मंजूरी किसने दी है, हाल ही में अगस्त 2019 में रक्षा मंत्रालय ने ऐसी मंजूरी दे दी कि अगर किसी पुरुष के सिंगल पेरेंट होने की स्थिति में चाइल्ड केयर की लीव वो ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मियामी ओपन के फाइनल मुकाबले में किसने जॉन इस्नर को हराकर खिताब जीता है। तो किसने जॉन इस्नर को हराकर खिताब जीता है, तो ये जीता है रॉजर फेडरर ने। किसने जीता है, याद रखिएगा, रॉजर फेडरर ने जॉन इस्नर को हराकर खिताब जीता है मियामी ओपन के फाइनल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन मानव निर्मित धान्य, आपको बताना है इनमें से कौन मानव निर्मित धान्य की श्रेणी में आता है। देखिए बोना गेहूं, संकर मक्का और सोयाबीन, ये तीनों नहीं आते, जबकि ट्रिटिकेल ट्रिटिकेल मानव निर्मित धान्य की श्रेणी में आता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिटिकेल। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। आपको बताना है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से इनमें से कौन संबंधित है, कौन सा नियम संबंधित है, तो ये संबंधित है कूलाम का नियम। कौन सा नियम, कूलाम का नियम, जो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है। जो क्षोभ मंडल है उसकी धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा इसकी अधिकतम ऊंचाई है 18 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मतलब क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है, तो 18 किलोमीटर है। कितनी है, 18 किलोमीटर, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था। आपको बताना है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा कौन सा पद धारण किया गया था, तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है सोवियत संघ में राजदूत। इसके पहले वे क्या थे, उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ, मतलब रूस में राजदूत की तरह भी उन्होंने काम किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान
संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको बताना है कि भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 280 में भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में वर्णित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु ने किया था। किसने किया था? अजात शत्रु ने किया था। तो दोस्तों आज हमने आपको रेलवे 2020 की में जो एग्जाम होने वाली एनटीपीसीएन ग्रुप डी, उसके लिए हमारी जो फाइनल पेपर की सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज मैंने आपको छठे नंबर का फाइनल पेपर कंप्लीट करा दिया। इसके पहले के पांच फाइनल पेपर नहीं देखे तो आगे बटन से देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि 40 में से कितने मार्क्स आपको आए, मतलब कितने क्वेश्चन के आपने सही उत्तर दिए। आरआरबी जोन का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को एक लाइक सभी स्टूडेंट्स कर दें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। 4 से 5 शेयर होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम सब जगह 4 से 5। जितने ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने जल्दी शेयर करेंगे उतने ही जल्दी हम आपके लिए सीरीज कंप्लीट करा देंगे। और इस तरह के और वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन जरूर दबा के रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।